आज हम करेंगे लेसन फिफ्थ की, संस्कृत का लेसन फिफ्थ का एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, केवल एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का क्या नाम था, शिकारी का क्या नाम था, चंचलह। सेकेंड क्वेश्चन है, चंचलह व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, कहाँ पर देखा था, इसका आंसर आएगा जाले, चंचल है व्याघ्रम जाले दृष्टवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्मै किमपि अकार्य न भवति, क्या अकार नहीं होता, सुधारताय, सुधारताय किमपि अकार्य न भवति, भूख के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदरी गुलमा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा था, कौन छिपा था, लोमशिका, तो आंसर आएगा बदरी गुलमा नाम पृष्ठे लोमशिका नीलिना आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे किम समीहते, स्वार्थ में क्या सब, इसका आंसर आएगा सर्वम, सर्वे स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं, सर्वे किम समीहते, सब क्या चाहते हैं, स्वार्थ चाहते, तो इसका आंसर आएगा सर्वे स्वार्थम समीहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्सहायो व्याध किम अचिंत्यत, निस्सहाय होकर बाघ ने, सॉरी बाघ ने क्या सोचा, क्या किम अयाचत, सॉरी किम अयाचत, क्या मांगा, निस्सहाय को उन्होंने क्या मांगा, प्राणों की भिक्षा, तो आंसर आएगा निस्सहायो व्याघ्र प्राण भिक्षाम अयाचत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया, क्या किया था उसने, जाल को फैलाया था, तो आंसर आएगा चंचलेन वने जालम प्रसारितम। सेकेंड क्वेश्चन है, व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांतावत अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई, किससे शांत हुई थी, जल से, पानी से, व्याघ्रस्य पिपाशा जलेन शांता अभवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ क्या बोला, जल पीकर बाघ ने क्या कहा, जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत अहम बुभुक्षिते अस्मि, अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचल है मातृस्वसे इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी ये किसके लिए संबोधन किया था, लोमड़ी के लिए, तो आंसर आएगा चंचल है मातृस्वसे इति लोमशिकायाम, लोमशिकाम संबोधितवान, आंसर में क्या आएगा, लोमशिकाम संबोधितवान। लास्ट क्वेश्चन है, जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधे किम अकरोत, जाल में फिर बंधा हुआ बाघ को बंधा हुआ फिर दोबारा से देखकर शिकारी ने क्या किया, तो शिकारी ने क्या किया, जाले पुनः बद्धे व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधे प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर ग्रहम प्रत्यावर्तत, घर लौट गया। तो जाले, आंसर देखो इसका, जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधे प्रसन्न भूत्वा ग्रहम प्रत्यावर्तत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, अब अधोलिखितानी वाक्यानि कह का कम काम प्रतिकथित, मैं किसने किसको कही ये शब्द, जैसे है ये इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब ये शब्द किसने कहे थे, बाघ ने शिकारी को, तो आंसर में क्या आएगा, व्याघ्र और व्याधम। ऐसे अगला है, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये शब्द किसने किसको कहे, व्याघ्र बाघ ने व्याधम, बाघ ने शिकारी को कहे, तो आंसर में क्या आएगा, व्याघ्र और व्याधम। जना मई स्नानम कुर्वंती, लोग मुझ में स्नान करते हैं, किसने शब्द कहे थे, ये नदी ने, तो ये क्या आएगा, नदी, नद्या, जना मई स्नानम कुर्वंती, तो आंसर में क्या आएगा, नद्या और व्याधम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम, ये शब्द किसने किसको कहे, व्याध ने व्याघ्रम को, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, तुमने झूठ कहा था, तो ये शब्द किसने कहे थे,
शिकारी ने बाघ को कही, तो इसका इसमें क्या आएगा, पहले में व्याधय और उसमें व्याघ्रम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी छेद देते। ये शब्द किसने किसको कहे थे, वृक्ष ने शिकारी को, तो वृक्ष है व्याधम, क्या आएगा इसमें, वृक्ष है व्याधम। लास्ट है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ। ये शब्द किसने किसने को कहे थे, लोमड़ी ने बाघ को कहे थे, तो आंसर में आएगा लोमशिका व्याघ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम, जो अंडरलाइन लाइन दे रखी है इसमें प्रश्न बनाने हैं इनके। तो पहला है व्याधे व्याघ्रम जालात बहि निरसारियत, तो जालात की जगह आएगा, जालात के स्थान पर आएगा कस्मात, कि व्याघ्र व्याघ्रम व्याधे व्याघ्रम कस्मात बहि निरसारियत, किससे बाहर निकाल दिया, क्वेश्चन मार्क पीछे। अगला है चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, और वृक्ष के स्थान, वृक्षम के स्थान पर आएगा कम, चंचल है कम उपगम्य अपृच्छत, क्वेश्चन मार्क। अगला है व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, सॉरी व्याध है, यहाँ पर आएगा व्याध है, लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, तो लोमशिकायै के स्थान पर आएगा कस्यै, व्याध है कस्यै निखिलाम कथाम निवेदित, बाघ शिकारी ने किसे सारी कथा निवेदन कर दी, किसके सामने की थी, लोमशिका के सामने, तो आंसर क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, व्याध है कस्यै निखिलाम कथाम निवेदित, क्वेश्चन मार्क। मानवा वृक्षानाम छायाम विरमंती, वृक्षानाम की जाए आएगा केशाम, मानवा केशाम छायाम विरमंती, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है व्याघ्र नद्या जले व्याधस्य पिपाशा सम्यत, तो नद्या की जगह आएगा यहाँ पर कस्या जलेन, व्याघ्र कस्या जलेन व्याधस्य पिपाशाम अम सम्यत। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब मंजुषात पदाने चीत्वा कथाम पूर्यत, एकस्मिन मने एक है वृद्ध है व्याघ्र आसीत, पहले में आएगा वृद्ध है बूढ़ा, से एकदा व्याधीन विस्तारिते जाले बद्धे अभवत, से बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालात मुक्तम नाभवत, तत्र सॉरी नाभवत, अकस्मात तत्र एक है मूषक समागच्छत, अकस्मात अब इसमें क्या आएगा, अकस्मात बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, यहाँ क्या आएगा दृष्ट्वा, से तम अवदत अहो भवान जाले बद्ध है, अहम त्वाम मोचित्युम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ, तत्श्रुत्वा व्याघ्र साठासम अवत, क्या आएगा यहाँ पर साठम, खिलखिलाकर हंसने लगा, अरे तुम तुम शूद्र जीवे मम सहाय करिष्यसि, शूद्र इसमें क्या आएगा शूद्र, यदि तुम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, मूषक है स्वकीयै लघु दंतै तत्जालस्य कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहि कृतवान, यहाँ पर पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा निर्देश अनु उत्तरत, निर्देश के अनुसार इसमें उत्तर देने हैं, जैसे से लोमशिकायै सर्वं कथां न्यवेद्यत, उसने सारी लोमड़ी को सारी कथा निवेदन कर दी, अस्मिन वाक्ये विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो इसमें विशेषण पद कौन सा है सर्वम, तो आंसर इसका आएगा सर्वम, आंसर लिखना है से लोमशिकायै सर्वम कथाम निवेदित अस्मिन वाक्ये विशेषण पदम सर्वम। नेक्स्ट है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो सर्वनाम पद है
अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए हुआ है, व्याधाय शिकारी के लिए। तो यहाँ आएगा अहम त्वत्कर्ते धर्म वाचितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम व्याधाय प्रयुक्तम, तस्मय के स्थान पर क्या आएगा, व्याधाय शिकारी के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे स्वार्थ समीहते, सबको स्वार्थ में, सब स्वार्थ चाहते हैं। अस्मिन वाक्य कर्त्री पदम किम, इसमें कर्त्री पद कौन सा है, सर्व, क्या है इसमें, अस्मिन वाक्य सर्व है कर्त्री पदम। नेक्स्ट है सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर बोली वाक्यात एकम अव्यय पदम चीतवा लिखा, इसमें से एक अव्यय पद ढूंढना है, तो कौन सा है इसमें अव्यय पद, सहसा, सहसा क्या है, अव्यय पद है, तो सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति वाक्य अव्यय पदम सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद कौन सा है, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, इसमें क्रियापद है विज्ञापय, बताओ इसमें क्या क्रियापद है, विज्ञापय, वि उपसर्ग है इसमें, ज्ञा धातु है, विज्ञापय क्या है, वि उपसर्ग ज्ञा धातु, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सेवंथ, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरियत, जैसे देखा है मातृका प्रथमा, माता मातरौ मातरे, स्वश्री का प्रथम वो है स्वसा, स्वसारौ स्वसारहे, मातृका तृतीय व्यक्ति है मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, स्वश्री की तृतीय व्यक्ति स्वस्त्रा स्वस्त्रीभ्याम स्वस्त्रीभिः, स्वश्री की सप्तमी व्यक्ति स्वश्री स्वस्रो स्वस्रोषु, मातृ की सप्तमी मातरी मात्रो मातृषु, स्वश्री की षष्ठी स्वसु स्वस्रो स्वस्रुनाम, मातृ की षष्ठी मातु मात्रो मातृणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है इसमें, अब इसमें है गंतुम, धातु कौन सी है गम और तुम प्रत्यय है तुमुन, से दृष्टुम दृश धातु तुमुन प्रत्यय, दृश धातु तुमुन प्रत्यय, करणीय क्री धातु अनियर प्रत्यय, पा धातु तुमुन प्रत्यय, खादितुम में खाद धातु तुमुन प्रत्यय, कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय। तो यहाँ पर एक्सरसाइज पूरी हो गई, नेक्स्ट आपको सारा ये होमवर्क अपनी कॉपी पर करना है।